हाय एवरीवन दिस इज वॉनिका आज का डिस्कशन है हमारा रिसेंटली आपको पता है कि ऑस्कर अवॉर्ड्स जो हैं विनर लिस्ट 2021 की अनाउंस की गई है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन विनर्स हैं तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एस एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे डायरेक्ट सवाल आते हैं वैसे ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट अ मूवी पर्सन ना ही मैं बॉलीवुड की या हॉलीवुड की ज़्यादा पिक्चर्स देखती हूँ सो जो भी इंफॉमेशन गैदर की है आ, दिस इज़ ऑथेंटिक बट तो हाँ नेम का प्रोनाउंसिएशन फॉरेन में बहुत ही इशू है लेट्स सी हाउ इट गोज़ बाकी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस कहीं पे भी चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पी अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा डिस्कशन शुरू करते हैं अब ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं दिस आई नो कि ऑस्कर अवार्ड्स मिलते हैं बट मूवीज़ नहीं देखी हैं मैंने बट यहाँ पे आपको मूवी के बारे में बताने की कोशिश की है जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ऑस्कर को हम लोग अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं और ये अवार्ड्स आप देखेंगे तो आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट पे दिए जाते हैं अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में ये अवॉर्ड्स हर साल दिए जाते हैं मोशन पिक्चर्स एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस के द्वारा फर्स्ट एकेडमी अवार्ड पहली बार जब शुरू हुआ था 1929 में कैलिफोर्निया में और यहाँ पे जो भी एक्सेलेंट काम आपके सिनेमा में हो रहा है सिनेमाटिक अचीवमेंट्स जो हैं उनको वोटिंग मेंबरशिप से यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं अवार्ड विनर्स जो रहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के रहते हैं यहाँ पे जो जीतता है उसको एक स्टैचू ऑस्कर का आप देख सकते हैं वो दिया जाता है ऑफिशली उसको बोला जाता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट या फिर ऑस्कर ऑस्कर दिया जाता है तो अभी रिसेंटली पूरी लिस्ट अनाउंस हुई है और ये आपके नाइन्टी थर्ड अकेडमी अवार्ड्स थे इस बार एक बहुत ही अलग अंदाज में हुए क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है इस प्रोग्राम में वो मेंटेन की गई लेकिन मास्क था ये अब यहाँ पे आप देखेंगे रजीना किंग जो है उन्होंने सेरेमनी को ओपन किया इस बार होस्टलेस था ये इयर कोई होस्ट नहीं था ऐसे पर्टिकुलर और जो प्रेजेंटर्स थे उन्होंने अवार्ड्स अनाउंस किया और अवार्ड्स देते गए और लास्ट अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर का वो ऑक् इन फिनिक्स जो है उन्होंने अनाउंस किया अब हम लिस्ट ऑफ विनर्स की बात करते हैं 2021 की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है नोमैड लैंड को अब इस पिक्चर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करेंगी करूँगी ऑल दो मैंने देखा नहीं है बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिटर्न मिली है उससे बात करते हैं नोमैड लैंड 2020 अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा गया है एडिट एंड प्रोड्यूस किया गया है क्लोई जाओ के द्वारा क्लोई जाओ को भी अवार्ड मिला है हम आगे बात करेंगे उनको भी ऑस्कर मिला है यहाँ पे एक ऐसी वमन uh, है उनके बारे में बात की गई है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो हाउसलेस ट्रैवल यहाँ पे अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स इस पिक्चर में दिखाया है ये पिक्चर एक नोवेल बेस्ड है नॉन फिक्शन बुक है आपकी नोमैडलैंड उस पर ये पिक्चर जो है वो बेस्ड है नोमैड लैंड मूवी उस पिक्चर पे बेस्ड है सर्वाइविंग अमेरिका इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बाई जेसिका ब्रूडो ये किताब का नाम है जिस पे नोमैड लैंड मूवी बेस्ड है आ, वैसे नोमैड लैंड जो है इसको इलेवेथ सितंबर 2020 को ये प्रीमियर हुई थी वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में और वहाँ पर भी इसको अवार्ड मिला था इस पिक्चर को गोल्डन लाइन का अवार्ड मिला था और उसके बाद पीपल्स चॉइस अवार्ड टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नोमैड लैंड ने जीता तो एक ऑस्कर जीता गोल्डन लाइन अवार्ड जीता और तीसरा टोरेंटो में इन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड इस पिक्चर को मिला तो आप देख सकते हैं नोमैंड लैंड मूवी जिसको तीन अवार्ड्स मिले हैं ये इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला तो यहाँ पे देखिए यहीं पे हम बात करें कि नोमैड लैंड में जो एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस ओके तो उन्हीं को यहाँ पे अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है ये रही फ्रांसिस लुइस मैकडामड इनका जन्म ट्वेंटी थर्ड जून 1957 में हुआ है अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी हैं ये इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं लाइक फोर एकेडमी अवार्ड्स जीती हैं आज तक टू गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले हैं थ्री बाफ्टा अवार्ड्स मिले हैं टू एम अवार्ड्स मिले हैं एक टोनी अवार्ड मिला है ये कुछ ही परफॉर्मर्स हैं जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग जिनको इतने अवार्ड्स लगातार मिलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग इनको मिला है यानी फोर अकेडमी अवार्ड्स ये जीती हैं इसके बाद देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को किस पिक्चर के लिए द फादर द फादर एक बहुत ही इमोशनल पिक्चर है यहाँ पे एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को दिखाया है जिसकी मेमोरी चली जाती है डिमेंशिया की वजह से डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे इंसान अपनी मेमोरीज लूज़ करता जाता है और यहाँ पे एक्टर जो हैं उन्हीं के जैसे मैं आपको बता रही हूँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ना तो जो एक्टर हैं उन्हीं की तरफ से नज़रिया दिखाया है कि अगर किसी की मेमोरी जाने लगती है तो वो अपनी डे टू डे लाइफ कैसे जीता है कैसे रहता है तो ये जो पूरी पिक्चर है द फादर इसको एंथनी की आइज से ही दिखाया है कि हाउ यू फील व्हेन यू लूज़ योर आइडेंटिटी तो एंथनी की तारीफ़ में यहाँ पे लिखा है कि एक ब्रिलियंट एक्टर हैं ये और बहुत अच्छे से ये स्टोरी एक्टिंग उन्होंने इस पिक्चर में किया इसलिए उनको ऑस्कर भी मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलता है यू जोंग योन को अवार्ड मिला है ये किस पिक्चर के लिए सपोर्टिंग रोल उनका मिनारी पिक्चर में जैसे रहा है ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड कोरियन एक्ट्रेस हैं और इन्होंने यहाँ पे एक हिस्ट्री भी बनाई है क्योंकि ये सेकेंड एशियन वुमन है जिनको एक ऑस्कर मिला है और फर्स्ट कोरियन है जिन्होंने कोई एक्टिंग प्राइज ऑस्कर में जीता है तो शी हेज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड शी इज़ अ सेलिब्रेटेड कोरियन एक्ट्रेस नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जो कि डेनियल क्लुया को मिला है डेनियल क्लुया के बारे में मैं आपको बताऊं जो पिक्चर है जुडाज एंड ब्लैक मसिया यहाँ पे इन्होंने ब्लैक पैंथर का लीडर फ्रेड हैम्पटन का रोल किया है और बहुत बढ़िया रोल किया है इसलिए इनको यहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है और भी अवार्ड्स इनके नाम पे हैं गोल्डन ग्लोब स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड बाफ्टा तो इन्होंने भी आज तक काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई जाव को लैंड मूवी के लिए अगेन देखिए नो नोमैड लैंड मूवी की मूवी को भी पिक्चर को भी अवार्ड मिला है ऑस्कर उनकी एक्ट्रेस को भी मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी क्लोइजा ने लैंड के लिए ही लिया है तो काफ़ी ऑस्कर में इस बार यहाँ पे चर्चा में रही है नोमैड लैंड उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन, स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले का अवार्ड जाता है प्रोमिसिंग यंग वुमेन ये एक ट्वेंटी ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसको एमरल्ड फैनल ने लिखा है इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का डेथ का रिवेंज बदला लेना चाहती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक रेप विक्टिम थी उस पर ये मूवी बनाई गई है नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट एनिमेटेड फीचर ये मिला है सोल को ये 2020 अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है यहाँ पे एक मिडिल स्कूल के म्यूज़िक टीचर को दिखाया गया है जो कि री करना चाहते हैं उनकी सोल उनकी बॉडी से अलग हो चुकी है और उसको री करना चाहते हैं उस पर यह एनिमेटेड फीचर है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है माई ऑक्टोपस टीचर ये नेटफ्लिक्स में ट्वेंटी ट्वेंटी पर आई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है डायरेक्टेड बाई पीपा एहलिच और जेम्स रीड ने इसको किया है फिल्म में दिखाया गया है इन 2010 फॉस्टर जो हैं वो किस तरह से डाइव करते हैं कोल्ड अंडर वाटर में कैल्प के जंगलों में रिमोट लोकेशन है फॉल्स बे में नियर केप टाउन साउथ अफ्रीका और ऑक्टोपस जो है वाइल्ड कॉमन ऑक्टोपस उस पर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर मिला है अनदर राउंड को अगेन ये एक 2020 कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया गया है थॉमस विंटरबर्ग द्वारा इसको गोल्डन ग्लोब के लिए भी नॉमिनेट किया गया है अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और फोर अवार्ड इसको सेवेंटी ब्रिटिश अकेडमी में फिल्म अवार्ड्स में भी मिले हैं और बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज का खिताब भी इसके नाम पर हुआ है अनदर राउंड सॉन्ग बेस्ट किसको मिला है फाइट फॉर यू जुडास इन ब्लैक मसीहा से है सपोर्टिंग एक्टर का रोल भी इसी मूवी के हीरो को मिला है और ओरिजिनल स्कोर फिर से सोल को मिला है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी मांक को मिली है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स टेनेट को मिले हैं टनट बेसिकली एक साइंस फिक्शन पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीक्रेट एजेंट है वो कैसे टाइम को मैनिपुलेट करना सीखते हैं और फ्यूचर से प्रेजेंट में क्या अटैक होने वाला है उसको रोकते हैं तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं तो इस पिक्चर को ये अवार्ड मिला है फिल्म एडिटिंग का अवार्ड बेस्ट फिल्म एडिटिंग साउंड ऑफ मेटल को मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन माओ रेनीज ब्लैक बॉटम बेस्ट साउंड साउंड ऑफ़ मेटल अगेन देखिए फिल्म एडिटिंग तो इसका जो नोट्स आप बनाएंगे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक पिक्चर जैसे नोमैड लैंड है नोमैड लैंड में एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है डायरेक्टर को अवार्ड मिल रहा है तो ये सब चीज़ें आप एक पॉइंट पे लिख सकते हैं आप जैसे साउंड ऑफ मेटल है इसको दो तीन अवार्ड्स मिले तो आप उसको एक नोट पे लिख सकते हैं बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन भी मांग को मिला है देखिए मांग को यहाँ पे पहले भी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी मिला है फिर यहाँ पे उसको बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का भी मिल रहा है तो आप इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए क्योंकि यहाँ पे प्योरली याद रखने का काम है बेस्ट लाइव एक्शन शॉट मिला है टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स को एनिमेटेड शॉट मिला है इफ एनी आई लव यू बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट खोले को मिला है तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके बाद एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है जिसके बारे में आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी जीन हर्शॉल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो कि टायलर पेरी को मिला है अब ये अवार्ड क्या है देखिए ये अवार्ड पेडिकली एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस जो है एट द गवर्नर्स ये दिया जाता है और ऑस्कर्स में ही दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है ह्यूमैनिटेरियन काजेज़ के लिए ये जो अवार्ड कैटेगरी है इसको 1956 में शुरू किया गया था फ़र्स्ट अवार्डेड एट ट्वेंटी नाइनथ अकेडमी अवार्ड्स तो 1956 में शुरू करने के बाद ट्वेंटी नाइन्थ एकेडमी अवार्ड्स जो थे 1956 में पहली बार ये अवार्ड वहाँ दिया गया अब जैसे कि अकेडमी अवार्ड मेरिट पे दिया जाता है यहाँ पे नॉमिनेशन और वोटिंग होती है इस अवार्ड के लिए और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्हीं में रेस्ट्रिक्टेड रहती है कि वो ये किसको देते हैं ये अवार्ड आप देख सकते हैं इसका नाम जीन हर्शॉल्ट तो किसके नाम पे रखा गया है एक डैनिश अमेरिकन स्क्रीन एक्टर थे ह्यूमैनिटेरियन भी थे लोगों के लिए बहुत काम करते थे सोशल वर्कर थे जीन हर्शोल्ट एटीन एटी इनका जन्म और मृत्यु का डेट डेट ऑफ ईयर है प्रेजिडेंट uh, भी रहे हैं ये मोशन पिक्चर रिलीफ फंड के अठारह साल तक प्रेजिडेंट रहे हैं अम्पाज के नाइनटीन से 1949 तक और विनर्स ऑफ जीन हर्शोल्टिटेनियन ह्यूमैनिटेरियन uh, अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है ऑस्कर का जो स्टैचू है वो दिया जाता है और इस बार नाइन्टी थर्ड अकेडमी अवार्ड से तो नाइन्टी सेकेंड अकेडमी अवार्ड्स में देखा गया था अराउंड थर्टी नाइन अवार्ड्स अभी तक प्रेजेंट किए गए थे उनमें से दो अवार्ड्स थे पोस्ट ह्यूमस दिए गए थे पोस्ट ह्यूमस यानी किसी की डेथ हो गई हो उसके बाद उसको कोई अवार्ड दिया जाए तो पोस्ट ह्यूमस बोला जाता है तो अभी तक मैंने सारे अवार्ड्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं ये लास्ट की स्लाइड्स में आपके लिए रिविजन के लिए uh, मैंने इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उनको रखा है जैसे बेस्ट पिक्चर ये नॉमिनेशंस थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव भी इसी तरह से आ सकता है कि बेस्ट पिक्चर पूछा गया है तो इस तरह से ऑप्शंस हो सकते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि द फादर में भी आप देखेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जुडाज़ में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है मांग को भी सिनेमाटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिनारी मूवी से जो एक्ट्रेस हैं कोरियन उनको मिला है तो हर पिक्चर को कुछ ना कुछ अवार्ड मिले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको याद रखिएगा ये नॉमिनेशनस भी हैं और आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस भी हो सकते हैं तो बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड बेस्ट एक्टर अगेन क्विक रोवेशन एंथनी होपकिन द फादर में से बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडामैंड से बेस्ट डायरेक्टर क्लोइजाव नोमैडलैंड से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यू जॉन्ग यॉन मीनारी मूवी से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डेनियल कुलिया जुडास एंड ब्लैक मसिया से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अनदर राउंड एनिमेटेड फीचर सोल डॉक्यूमेंट्री फीचर माई ऑक्टोपस टीचर ये नेटफ्लिक्स पे बेस्ट औरिजिनल स्कोर सोल औरिजनल सॉन्ग फाइट फी यू जुडास ब्लैक मसिया बाकी के नॉमिनेशन आप देख सकते हैं बेस्ट औरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रमिसिंग यंग वुमन अडाप्टेड स्क्रीन प्ले द फादर सिनेमाटोग्राफी मैंक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग मा रेनेज़ ब्लैक बॉटम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मा रेनेज़ ब्लैक बॉटम दो अवॉर्ड हैं देख सकते हैं आप बेस्ट फिल्म एडिटिंग साउंड ऑफ मेटल बेस्ट साउंड साउंड ऑफ मेटल तो दोनों देखिए साउंड ऑफ मेटल को मिले हैं लाइव एक्शन सपोर्ट टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स एनिमेटेड शॉट इफ़ एनीथिंग हैपन्स आई लव यू बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट इट बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स टेनेट जो कि साइंस फिक्शन पिक्चर है और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन अगेन मार्क को मिला है तो यही था हमारा सारा और आपको लास्ट में मैंने रिवाइज़ भी करा दिया है आई होप ये पी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन आप कहीं पर भी गलत नहीं करेंगे जब आएगा थैंक यू सो मच